पहला चरण कायोत्सर्ग के लिए तैयार हो जाएं। कायोत्सर्ग का प्रयोग प्रारंभ में खड़े खड़े होगा। लेटने जितने स्थान की व्यवस्था कर खड़े खड़े कायोत्सर्ग का 3 बार संकल्प करें। सफलता के सोपान तक पहुंचने के लिए आवश्यक है संकल्प, दृढ़ संकल्प। ध्यान के क्षणों में आने वाले विकल्पों से बचा लेता है और लक्ष्य की सिद्धि में सहायक होता है। संकल्प करें, मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का संकल्प करता हूं। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का संकल्प करता हूं। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का संकल्प करता हूं। कायोत्सर्ग का समय लगभग 40 मिनट है। दूसरा चरण, सीधे खड़े रहें, दोनों हाथ साथल से सटे हुए, दोनों पैरों की एड़ियां सटी हुई और दोनों पंजों के बीच 4 इंच का फासला, मेरुदंड और गर्दन सीधी, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर सिर की ओर ले जाएं, बाहें कान से सटी हुई, पंजों पे खड़े होते हुए पूरे शरीर को तनाव दें, पूरा तनाव दें, ऊपर के भाग को ऊपर की ओर खींचें और तनाव दें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को साथल के पास ले जाएं और शिथिलता का अनुभव करें। तनाव मुक्ति का अनुभव करें। एक बार और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर सिर की ओर ले जाएं। पंजों पर खड़े होते हुए पूरे शरीर को तनाव दें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को साथल के पास ले जाएं और शिथिलता का अनुभव करें। एक बार और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर सिर की ओर ले जाएं। पंजों पर खड़े होते हुए पूरे शरीर को तनाव दें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को साथल के पास ले जाएं और शिथिलता का अनुभव करें। 3रा चरण, पीठ के बल लेटें,
दोनों पैरों के बीच एक फुट का फासला। दोनों हाथ शरीर के समानांतर आधा फुट दूर। हथेलियां आकाश की ओर, आंखें कोमलता से बंद। प्रत्येक अवयव में शीशे की भांति भारीपन का अनुभव करें। भारीपन का अनुभव करें। अनुभव करें पूरा शरीर शीशे की भांति भारी हो गया है। एक मिनट तक भारीपन का अनुभव करें। प्रत्येक अवयव में रुई की भांति हल्केपन का अनुभव करें। अनुभव करें कि शरीर रुई की भांति हल्का हो गया है। हल्का हो गया है। एक मिनट तक हल्केपन का अनुभव करें। चौथा चरण, श्वास मंद और शांत। अपने चित्त को दाएं पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें। शिथिल होने का सुझाव दें। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अंगूठा शिथिल हो रहा है। अनुभव करें कि दाएं पैर का अंगूठा शिथिल हो गया है। इसी प्रकार प्रत्येक अंगुली, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, साथल तथा कटिभाग को क्रमशः शिथिलता का सुझाव दें।
और उसका अनुभव करें, शिथिल हो जाएं, शिथिल हो जाएं, शिथिल हो जाएं। अनुभव करें, दाएं पैर के अंगूठे से लेकर कटिभाग तक के प्रत्येक अवयव शिथिल हो गए हैं। इसी प्रकार बाएं पैर के अंगूठे से लेकर कटिभाग तक प्रत्येक अवयव पर अपने चित्त को ले जाएं। शिथिल होने का सुझाव दें और उसके शिथिल होने का अनुभव करें। पेड़ यानी लोअर एब्डोमेन का पूरा भाग, पेट के भीतर एक एक अवयव यानी दोनों गुर्दे, बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय यानी पैनक्रियास, पक्वाशय यानी ड्यूओडेनम, अमाशय यानी स्टमक, तिल्ली यानी स्प्लीन, यकृत यानी लिवर, तनुपट यानी डायफ्राम, प्रत्येक अवयव पर चित्त की यात्रा करें, शिथिलता का सुझाव दें और शिथिलता का अनुभव करें। शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। छाती का पूरा भाग, हृदय, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, दाई पसलियां, बाई पसलियां, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। पीठ का पूरा भाग, मेरुदंड, सुषुम्ना, गर्दन, प्रत्येक अवयव पर चित्त केंद्रित करें, शिथिलता का सुझाव दें और शिथिलता का अनुभव करें। अब अपने चित्त को दाएं हाथ पर ले जाएं, क्रमशः अंगूठा, उंगलियां, हथेली, कलाई शिथिल हो रहे हैं, शिथिल शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। इसी प्रकार कलाई से कोहनी, कोहनी से कंधे तक का भाग, प्रत्येक अवयव पर चित्त को केंद्रित करें, शिथिलता का सुझाव दें
और उसका अनुभव करें, शिथिल हो जाएं, शिथिल हो जाएं, शिथिल हो जाएं। अनुभव करें, पूरा दायां हाथ शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया, शिथिल हो गया है। इसी प्रकार बाएं हाथ के प्रत्येक अवयव पर चित्त को केंद्रित करें, सुझाव दें, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। इसी प्रकार कंठ और स्वर यंत्र शिथिल हो जाने का सुझाव दें, शिथिल हो जाएं, शिथिल हो जाएं, शिथिल हो जाएं। अनुभव करें, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। शिथिल हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं। अब मसूड़े, दांत, जीभ और तालू पर अपने चित्त को ले जाएं, शिथिल हो जाने का सुझाव दें, शिथिल हो जाएं, शिथिल हो जाएं। शिथिल हो जाएं। अनुभव करें, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। शिथिल हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं। दाएं कपोल, बाएं कपोल, नाक, दाएं कनपटी, दायां कान, बाईं कनपटी, बायां कान, दाईं आंख, बाईं आंख, शिथिल, शिथिल। ललाट और मस्तिष्क शिथिल, शिथिल।
शिथिल। जागरूकता बनाए रखें, निद्रा में ना जाएं। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग प्रवाह का अनुभव करें, कण कण में शांति का अनुभव करें। यह स्थिति 10 मिनट तक बनी रहे। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्रवाह का अनुभव करें, शरीर के कण कण में शांति का अनुभव करें।
शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्रवाह का अनुभव करें, कण कण में शांति का अनुभव करें। अब भेद विज्ञान का अनुभव करें। जैसे मथनी से छाछ और मक्खन को अलग किया जाता है, वैसे ही शिथिलता के द्वारा शरीर और आत्मा को अलग किया जा सकता है।
शरीर अचेतन है, आत्मा चेतन है। मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। पांचवां चरण, पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक चित्त और प्राण की यात्रा करें। क्योंकि जहां चित्त वहां प्राण, जहां चित्त वहां प्राण। पूरे शरीर में चित्त और प्राण की यात्रा का अनुभव करें।
अनुभव करें पैर से सिर तक चैतन्य पूरी तरह जागृत हो गया है। अवयवों में प्राण का अनुभव करें। तीन दीर्घ श्वास के साथ कायोत्सर्ग संपन्न करें। दीर्घ श्वास के साथ अवयवों में सक्रियता का अनुभव करें। धीरे धीरे बाईं करवट लेकर बैठने की मुद्रा में आएं। शरण सूत्र का उच्चारण करें। दोनों हथेली जोड़कर हृदय के भाग पर रखें। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। दोनों पैरों को पीछे ले जाकर घुटने मोड़कर बैठें। पैरों के अंगूठों को पास में रखें। घुटनों को पास रखते हुए दोनों नितंबों यानी हिप्स को एड़ियों पर टिकाएं। वंदना सन की मुद्रा में पूरा श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए वंदे का उच्चारण करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें। सच्चम का उच्चारण करते समय शरीर के ऊपरी भाग को नीचे जमीन तक झुकाएं और श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं। वंदे सच्चं वंदे स
सच्चं। वंदे सच्चं। प्रयोग संपन्न हुआ। धीरे धीरे आंखें खोलें, 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 खोलें।